बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा महिला एवं बच्चों में होने वाले लैंगिक हिंसा को रोकने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जन साहस संस्था द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित किया। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी ग्राम रूपाखेड़ा राणापुर जनपद क्षेत्र में अमृत सरोवर तालाब का अवलोकन करने मोटरसाइकिल से पहुंचे। यहां तालाब मनरेगा के अंतर्गत 14,67,000 की लागत से निर्मित होगा। वर्तमान में यह तालाब भरा हुआ है। यहां आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। चलो खरगोन पुलिस का अवैध हथियार तस्करों पर विशेष ऑपरेशन प्रहार। अवैध हथियारों के निर्माण एवं तस्करी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 58 पिस्तल व 12 देसी कट्टे जब्त। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का किया खुलासा। बड़वानी जिला पंचायत सीओ अनिल कुमार डामोर विकास खंड पार्टी के ग्राम बोकराटा एवं पिपरकुंड में ग्राम चौपाल के माध्यम से आवास प्लस हितग्राहियों को शीघ्र आवास प्रारंभ करने एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। खरगोन जिले के भिकनगांव विकास खंड के ग्रामों में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत शासन की योजनाओं के पात्र नागरिकों को 100% लाभ दिलाने के लिए सर्वे दल डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। इस अभियान में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पंच सरपंच भी सहयोग कर रहे हैं। बड़वानी जिले के खेतिया नगर सहित अन्य सभी ग्रामों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी देकर सर्वे किया जा रहा है। वह अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निंगवाल द्वारा सर्वे दल के साथ ग्राम पंचायत धावड़ी में ग्रामीणों को 32 महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।